पता कर रहा था चारों तरफ, तो AX5 MX5 बिना किसी प्रीमियम के मिल रहे हैं इस टाइम पे। आप कहीं भी प्रीमियम मत देना AX5 MX5 के लिए। जिस दिन मैंने ली उसी दिन घर वालों को बिठाया तो उन्होंने कहा सनरूफ खोलो, मैंने बटन दबाया सनरूफ ही निकला। मैं फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 60 लाख 65 लाख की GR स्पोर्ट भी लेके आता तो कोई पूछता नहीं। हाँ बिल्कुल, पर इसे देख के लोग पूछते हैं। और फिर मैंने प्रीमियम का भी पता किया तो कोई 60-70 हजार रुपए लेके दिलवा भी रहा था। टाइम पे जो प्रीमियम ले रहे हैं ना वो, उन्हें भाई गाड़ी है नहीं, शोरूम पे ही नहीं है। हाँ। उन्हें प्रीमियम देके भी वो भाग जा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं आजकल। महिंद्रा ये लगा लो भाई बिजनेस देता है, मतलब बहुत सारे लोगों को बिजनेस करवा देता है, बहुत सारे लोगों को बिजनेस करवा देता है। अब आप देखो 1.5 लाख रुपए खड़े खड़े कमा, खड़े खड़े इसे आज ही दे दूंगा, वो अपने रजिस्ट्रेशन खुद करा लेगा। और 1.5 लाख रुपए महंगी तो फिलहाल में भी जा रही है, फिलहाल में जा रही है। 1.5 लाख रुपए के मेरे इसके प्राइस लग चुके हैं 300-400 किलोमीटर का। तो मैं और गाड़ी भी चलाई आज तक, थका नहीं, पर इसमें मुझे थक गया, इसमें थक रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि इसमें देखो ना रन में ना 400-300 किलोमीटर में थक रहे हैं। आपके नाम से गाड़ी आएगी ना, आप सोफे पे जाके आराम से बैठना, वो आपके नाम की गाड़ी है। एक बार देख लो उस गाड़ी को कि आपके नाम की गाड़ी आई है, फिर जो आप बोलोगे वो एजेंसी को करना पड़ता है। और अगर आप जाओगे कि भाई मेरे को गाड़ी जल्दी दे दो वो दे दो, फिर आपको पीछे पीछे घूमना पड़ेगा, जो वो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। कार प्ले तो अभी नहीं है, वो मैप उससे लगाना पड़ता है फोन से, इतनी महंगी गाड़ी लेके भी। क्या बात कर रहे हो, 14 की माइलेज दे रही है ये, लोकल में 4 दिन से चला रहा हूँ और हाईवे पे आया था 15.5 की दे रही थी। हेलो भाई, मैं अनुभव, ये वाली गाड़ी भाई टिपिकल थार रॉक्स नहीं, ये वाला वेरिएंट AX7L बहुत ही मुश्किलों से मिल पा रहा है भाई, लोग बाग इसी के पीछे पागल हैं। और बार हम देखते हैं कि बेस मॉडलों के पीछे ज़्यादा मारा मारी होती है, लेकिन इसमें थार रॉक्स में महिंद्रा के साथ उल्टा हुआ और महिंद्रा वालों ने भी उल्टा कर दिया। कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद है भाई इनका ये टॉप वेरिएंट, जिसके अंदर अलॉय व्हील 19 इंच के आ रहे हैं, पूरी पैनोरमिक सनरूफ आ रही है, एक तरीके से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है भी, हरमन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी है। मिली नहीं लोग बाग भाई राजस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु, राजस्थान, जन कहाँ कहाँ पूछने लग रहे हैं, लेकिन भाई मिलना थोड़ा सा असंभव है। अब ये कैसे मिल गई है भाई, हमारे साथ में खड़ी हुई है तो वो भाई ध्रुव भाई को पकड़ लिया है हमने पूछने के लिए। ध्रुव भाई सबसे पहले तो क्या हालचाल है, बहुत बहुत आपको भाई मुबारकबाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भाई साहब कौन सा वेरिएंट है सबसे पहले ये बता दो भाई। ये टॉप वेरिएंट है AX7L 4-व्हील ड्राइव वाला। अच्छा पहले भाई का इंट्रोडक्शन एक बार दे देते हैं गाड़ी से पहले। भाई भाई को आपने कई बार चैनल के ऊपर देखा होगा, भाई ऑन सा वेरी 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 बहुत ज्यादा हाई नंबर ऑफ कार्स। अब नहीं है, 2-3 ही गाड़ियां हैं। और भाई ने ली 2019 में बलेनो, सेम कलर मैंने भी 2019 में बलेनो, 2020 में सेल्टोस, तो सेम सेल्टोस। और 2024 में भाई के साथ साथ हम भी लेके आए हैं थार रॉक्स। लेकिन टॉप मॉडल भी याद रखते हो आप? नहीं, ये पहली बार लिया टॉप मॉडल, तो नहीं। अच्छा। तो बीच वाला लेते हैं। बाकी भाई के पास क्रूज भी रही थी, टाटा नेक्सोन भी इन्होंने, ईवी वगैरह भी रखी है, बहुत सारी गाड़ियां इन्होंने एक्सपीरियंस कर रखी है। तो भाई से पूछते हैं थार रॉक्स का प्लान कैसे बना और ये गाड़ी मिल कैसे गई है। तो ध्रुव भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करो भाई, क्या सिस्टम थार रॉक्स का प्लान ऐसे बना कि जिंदगी ना बहुत अच्छी चल रही थी, सुकून से चल रही थी, मस्ती में रह रहे थे, तो फिर हमने ले ली टाटा पिछले साल। हाँ। तो जिंदगी में परेशानी शुरू हो गई। हाँ। पर थोड़ी बहुत चलो चल रही थी फिर भी ठीक है, टाटा नेक्सोन थी पड़ी हुई थी, थोड़ी अच्छी जिंदगी चल रही थी। फिर मैंने सोचा पूरी अच्छे से इसे कलेश बना देते, फिर अब हमने ले ली महिंद्रा, टाटा महिंद्रा दोनों हैं, जिंदगी पूरी कलेश में अभी तो नहीं आई है पर आ जाएगी इन फ्यूचर, ऐसा लग रहा है मुझे। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, चलो टाटा का तो एक्सपीरियंस हमने आपका देख रखा है। टाटा का तो भाई मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ किसी से भी, टाटा की अगर गाड़ी है तो लो मत, मेरी वीडियो भी एक है, मैं अरुण भाई से बोलूंगा उसे डालना। हाँ। टाटा की तो गाड़ी ही मत लो, ईवी हो चाहे डीजल हो पेट्रोल हो, टाटा गाड़ी फेल है भाई। हमने बना रखी है उसको डालूंगा। हाँ। मैं एक दिन ईवी पे हम कितने परेशान हो रखे हैं भाई को लेके, कह रहा अभी तो भाई फिर महिंद्रा के लिए भी। बाकी महिंद्रा से तो यार वैसे पहले भी रखी है स्कॉर्पियो, सर्विस वगैरह ठीक थी, बट कभी कभी ना चीजें ऐसी हो जाती है कि शोरूम सर्विस सेंटर बढ़िया नहीं मिलता, कई बार शोरूम अच्छे नहीं होते। पहला एक्सपीरियंस भी XUV 700 वाला आपने देखा होगा, वो भी थोड़ा ऐसे रहा, तो उस वजह से थोड़ी खटास मन में आ गई थी। तो आप मुझे लग रहा है कि ऐसे मंजे हुए ओनर हो, ऐसे नहीं हो कि आप फर्स्ट टाइम भाई कोई खेत वेत का पैसा आया आप स्कॉर्पियो वगैरह थार उठा लाए। नहीं, आप मंजे हुए हो, आपने शेवरोले जैसी गाड़ी भी रख रखी है। हाँ। सारी गाड़ियां आपने किया फिया सेल्टोस भी रख रखी है, फिर आप जब टेम्परेरी नंबर पे है कलेश के लिए रेडी हो, फिर क्यों प्लान बना लिया भाई साहब थार रॉक्स का? भाई इस रेट में ना एक 4x4 और कोई गाड़ी आती नहीं, मैं तो कहता हूँ किया हुंडई इंडिया से कि इस रेट में 30 लाख तक भी बना दो यार 4x4, कोई ऐसी गाड़ी तो बनाओ जिसकी रोड प्रेजेंस हो। महिंद्रा रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी बनाता है, इसलिए और कोई बनाता नहीं, तो महिंद्रा पे चले गए। ध्रुव भाई इतनी अच्छी गाड़ी तो आप ले आए हो भाई, रिबन लगी और हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना भाई आपको गिफ्ट देने का। लो भाई आपके लिए भाई पेश है इन्वॉल्व योर सेंसेस के बेस्ट वाले कार परफ्यूम्स भाई। यही मैं ढूंढ रहा था, मेरे को मिला नहीं तो मैं ये वाला इन्वॉल्व ले आया था। अच्छा, यूज में इन्वॉल्व भी करता हूँ। हाँ भाई आपने देखा ही है, इस गाड़ी के अंदर टॉप मॉडल के अंदर कमी सी तो महसूस होती है ना, खुशबू की कमी महसूस होती है। तो भाई अब इस बार आपने ये हैंगिंग कार से जरा टाको यार, ऐसे IR में सुना सुना सा अच्छा सा लगता नहीं है। तो इस पे भाई इस तरीके की देखो बोतल आती है और एक ये हैंगिंग कार्ड आता है इन्वॉल्व का, इसको जस्ट आपको इस तरीके से भाई IRVM पे जो इनका ऑटो डिमिंग आता है ना बेस से ही आ रहा है ये। तो
कुछ चीजें अच्छी देखते हैं इसको, दो स्प्रे करने होते हैं। हाँ भाई कैसी लगी भाई खुशबू? नई गाड़ी वाली बन गई दोबारा, अभी ऐसे पुरानी जैसी होने लगी थी, अब दोबारा नहीं होगी। तो भाई कहाँ से खरीदना है एक बार भाइयों को जरा बता दो। involveyoursenses.com पे जाके आप खरीद सकते हैं इसे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। तो भाई काफी सारे इनके वेरिएंट्स आते हैं, तो अभी जाओ जल्दी से जल्दी परचेज करो। तो भाई सबसे पहले तो ये बता दो रॉक्स मिल कैसे गए? ये टॉप मॉडल के पीछे तो बहुत दुनिया बावली हो रही है, 1.5-2.5-3 जितना किसी भी डीलर का मन कर रहा है उतना मुंह फाड़ के मांग रहा है। भाई मिलती कैसे है कैसे नहीं है वो मैं पिछले एक्सयूवी के टाइम पे देख चुका था, मैंने कराई ऑफलाइन बुकिंग की दोस्ती यारी में, भाई बहुत अच्छे से ऑफलाइन बुकिंग 15 अगस्त को लॉन्च हुई थी गाड़ी, तभी 50,000 रुपए दे दिए, फिर बहुत सारी वो कलेश हो गया था, नहीं मिल पाई, 6-6 महीने बाद की मेरी डेट आने लगी, फर्स्ट बुकिंग कराई तब भी नहीं मिली। अब की बार मैंने सोचा भाई सीधे साधे अपना ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, 3-4 जगह लगा देंगे, अलग अलग स्टेट में लगा देंगे, जहाँ पहले आएगी मिल जाएगी। गुड़गांव वाली का तो मेरा मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, अगले साल जून का आया था। बिजनौर का आया था 2026 का। बरेली का मेरे पास मैसेज ही नहीं आया। ये बरेली बरेली से ली है, बरेली में बुक कराई थी, बरेली का मैसेज ही नहीं आया, कुछ दिन में फोन ही आ गया कि सर आपकी गाड़ी बिल हो चुकी है। तो यार टॉप मॉडल आपने बुक करवाया था किस टाइम? 3 अक्टूबर को 11 बजे, बिल्कुल एग्जैक्ट 11 बजे, मेरी पेमेंट भी 11 बजे ही हो गई थी, 11:01 भी नहीं हुआ था सारी जगह। तो तब जून 2025 की डिलीवरी, तब जून 2025 की आ रही थी, और शोरूम से पूछो तो वो कहते हैं जी महिंद्रा जैसा बोलेगा वैसा। यार एक बात बताओ, जब आपकी 11 बजे हुई है एकदम नेट, तो मान के चलते आप पहले बंदे होंगे जिसने टॉप मॉडल बुक कराई है, या पहले 1,000 में होंगे 2,000 में, फिर गाड़ी देंगे किसको भाई? मैं वही तो पूछ रहा था शोरूम पे भी, मैंने पूछा कि चलो मेरी जून में आई है, अब नवंबर दिसंबर में जो गाड़ी डिलीवर करोगे टॉप मॉडल वो किस बेसिस पे करोगे? उसने कब कराई है? 10:30 बजे कराई है क्या? खुला ही पोर्टल 11 बजे, और मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ मेरी, बिल्कुल डॉट 11 बजे की बुकिंग लगी हुई है। और कोई बंदा चलो उस टाइम वो 3 तारीख को अवेलेबल नहीं था या उसको पता ही नहीं था, वो अब देख के प्लान बनाता है गाड़ी का, देख के बनाएगा, तो उसे शोरूम वाले तो पहले एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो 2026 के एंड में या 27 में जा रही है बुकिंग। अब ये क्या सेंस है यार, ये इंडियन ब्रांड गाड़ी लेनी है अब 2027 में तो दुनिया बचेगी नहीं बचेगी ये थोड़ी पता है। हाँ भाई कभी कोई वो पत्थर गिरता है ऊपर से, एस्ट्रोनॉइड्स गिरते रहते हैं, क्या क्या गिरता रहता है। चलो छोड़ो, खैर भाई 4 बुकिंग लगाई जिसमें से एक तुक्के से मिली गई, मतलब एक तुक्के से क्या, एक हमारे रिलेटिव हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, उन्होंने भी खैर मेल वेल डाली थी, हो सकता है उनके उससे आई है या बुकिंग से आई है, ये मुझे भी कन्फर्म नहीं है, शोरूम से भी पूछा तो उन्होंने भी कन्फर्म नहीं बताया, बस ये कहा था कि आपकी बुकिंग हमारे पास आई तो हमने तुरंत आगे फॉरवर्ड कर दी थी, मतलब उनका शोरूम का रिस्पॉन्स बहुत टाइम बहुत अच्छा था। तो बरेली यूपी से उठा लाया गाड़ी को, यूपी मोसाराम महिंद्रा। तो भाई देखो मैंने भी यही ट्रिक अपनाई थी भाई, कई लोग पता है मेरे से भी कह रहे थे कि यार गाड़ी आसपास तक मिलना रही, गुड़गांव में दिल्ली तेने बिगाड़ रखी है, अब जैसे यू आगरा से लेके आया। भाई जो छोटे शहर होंगे ना जितने, वहां से जल्दी मिलने के चांस होते हैं। क्यों भाई? चांस भी होते हैं, और मैंने उस दिन आपको फोन भी किया था जब आप आगरा से लाए थे, तो आपने मुझे बताया था कि अगर NCR के बाहर से लोगे तो ग्रीन टैक्स भी बचेगा। हाँ 1%, ठीक है 20-22 हजार ये भी बचाएंगे फिर। चलो भाई ऐसे भाई की तो देखो, भाई ने लीगल तरीके से लिया, एक नंबर तरीके से, कुछ भी एक रुपए ऊपर ऊपर दे के नहीं आए, एक रुपए ऊपर नहीं दिया, किसी का जैक जुगाड़ नहीं लगाया, बुकिंग डाली, शोरूम से कॉल आया, ले आए। तो भाई अब बता दो कितने की लेके आए हो, और वो वाली पावर बता दो कंज्यूमर के हाथ में, अगर भाई भगवान बहुत ज्यादा लकी हमको बना दे और अगर हमारे नाम से गाड़ी आ जाती है तो हम कितने लकी हो जाते हैं, ये और बता दो। जब आप गाड़ी लाए थे तो मेरी आपसे कंटिन्यूस बात हो रही थी, उस टाइम आपने बताया था कि मेरे नाम से गाड़ी आई है, तो मैंने इंश्योरेंस सब में पैसे वो करवाए हैं कम। मैंने कहा चलो ठीक है हम भी ऐसे ही करेंगे, और जैसे ही मेरे नाम से गाड़ी आई तो वहाँ के जो सेल्स वाले थे उन्होंने मेरे को भेजा कि भाई ये आपके एसेसरीज हैं, इतने की एसेसरीज हैं, इंश्योरेंस 1 लाख के आसपास का भेजा हुआ था। मैंने कोई नहीं आने तो मेरी गाड़ी एक बार शोरूम पे आने तो फिर मैं आके बात करूँगा। फिर वहाँ मैं गया, मैंने तुरंत जाते ही पहले बोला एसेसरीज एक भी नहीं चाहिए, क्यों लगवाऊँ मैं 4,000 के मड फ्लैप जो मुझे 800-600 रुपये के बाहर मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने सारी एसेसरीज मना कर दी, पीपीएफ वगैरह सब मना कर दिया। सबसे अच्छी बात तो शोरूम की ये लगी कि एक बार मना करने के बाद उन्होंने मेरे से दूसरी बार नहीं कहा कि सर ये करवा लो या ये करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर बात आई इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस के लिए उन्होंने कहा कि सर ये थोड़ा सा देख लो आप या जीएम सर से बात कर लो। फिर मैं गया जीएम सर के पास, मैंने कहा सर मुझे ये रेट मिल रहा है, आप इससे 5-7-10 हजार भी एक्स्ट्रा दोगे ना तो मैं आपसे ले लूंगा, पर उससे ज्यादा मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरा बजट नहीं है। तो उन्होंने ट्राई किया पर उनका बहुत ही ज्यादा हाई लेवल जा रहा था,
उनका शायद 90,000 के आसपास इंश्योरेंस आ रहा था। हाँ। फिर उन्होंने कहा सर आप खुद ही करा लो। उन्होंने मालिक से भी बात करी तो मालिक भी बहुत अच्छे थे वहाँ के मोसाराम बरेली के। उन्होंने कहा कि सर कस्टमर को छोड़ दो क्योंकि गवर्नमेंट के ये गाइडलाइंस है कि इंश्योरेंस आप खुद ले सकते हो, कस्टमर के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाओगे। तो भाई वहाँ से तो चलो 1,00,000 रुपए के लगभग मिल रहा था। हाँ। ज्यादा मिल रहा होगा, 1,30,000 का तो MX-5 का बना रखा था इन्होंने। मेरी मेरे को 1,10,000 का बनाया था पर कर करा के उनका लास्ट 90,000 आया। 90,000 बाहर से कितने का लिया फिर आपने? बाहर से तो भाई रहने दो, क्या करो किसान। 50% बाहर से, चलो मैं आपको बता देता हूँ, अराउंड 60,000 से भी कम पड़ा मुझे। लो भाई अब देख लो आप कितना फर्क रहता है। आपके इंश्योरेंस से भी कम पड़ा? हाँ भाई ये ना बहुत ज्यादा कमाते हैं यार इंश्योरेंस में, है ना। मैं एक चीज बता देता हूँ, मेरे पास सेल्टोस थी, सेम नाम से मैंने ये ली है। हाँ। सेल्टोस मैंने सेल करी तो उसमें मेरा NCB मतलब नो क्लेम बोनस 50% था, कभी क्लेम नहीं लिया था तो वो इस पर शिफ्ट हो गया तो उसका भी मेरे को बेनिफिट मिला। तो ये मुझे 55,000 से भी कम पड़ा, और बताओ। तो भाई इससे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जब आपके नाम से अगर बुकिंग आएगी ना कल को। हाँ। तो आपके पास बहुत सारी पावर होती है, जहाँ पे हमने तो इंश्योरेंस भी बाहर से करवाया इसके अंदर। नहीं तो भाई इंश्योरेंस तो छोड़ दो, उनकी मर्जी का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और उनकी मर्जी से ही पैसे देने। गाड़ी आएगी ना आप सोफे पे जाके आराम से बैठना, वो आपके नाम की गाड़ी, एक बार देख लो उस गाड़ी को कि आपके नाम की गाड़ी आई है, फिर जो आप बोलोगे वो एजेंसी को करना पड़ता है। और अगर आप जाओगे कि भाई मेरे को गाड़ी जल्दी दे दो वो दे दो, फिर आपको पीछे पीछे घूमना पड़ेगा, जो वो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो टॉप मॉडल कितने की लेके आए हो? टॉप मॉडल भाई ये लगा लो 25,500 के आसपास। 25,500 रुपए में भाई साहब डीजल ऑटोमेटिक 4x4? वैसे तो रेट और भी कम पड़ा है पर 25,500 के आसपास मान के चलो आप। इसमें ये लगा लो भाई, भाई इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता ना इससे ऊपर टॉप मॉडल से ऊपर कुछ, एक तो कुछ भी नहीं आता और प्लस में इससे ऊपर कोई डिस्काउंट कोई दे ही नहीं सकता। अगर ये 2 साल बाद भी डिस्काउंट पे बिकेगी तो भी इससे कम रेट नहीं मिलेगा। और 1,50,000 रुपए महंगी तो फिलहाल में भी जा रही है, फिलहाल में जा रही है 1,50,000 रुपए के मेरे इसके प्राइस लग चुके हैं क्योंकि मैंने अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं कटवाया, अभी रजिस्ट्रेशन कटवाना है मुझे। तो कह रहे कि 1,50,000 रुपए ऊपर लेके, पर मुझे तो चलाने के लिए लिया मैंने, विंटर्स पे निकल जाएगा अगर। महिंद्रा ये लगा लो भाई बिजनेस देता है, मतलब बहुत सारे लोगों को बिजनेस करवा देता है, बहुत सारे लोगों को बिजनेस करवा देता है। अब आप देखो 1,50,000 रुपए खड़े खड़े कमा, खड़े खड़े इसे आज ही दे दूंगा, वो अपने रजिस्ट्रेशन खुद करा लेगा, वो 1,50,000 रुपए ऊपर दो भी बोलूंगा तो दो में भी हो जाएगी बात, ऐसा भी हो सकता है। पर देनी नहीं है ना, देनी नहीं है क्योंकि मैंने खुद के लिए ली। टॉप मॉडल भाई वैसे ही नहीं मिल रहा और व्हाइट कलर, व्हाइट कलर में। अब बात करते हैं कि टॉप मॉडल क्यों वैल्यू फॉर मनी है। X5 और MX5 तो मिल रहे हैं ना भाई, भाई मेरे पास जब मैं इसकी पता कर रहा था चारों तरफ तो X5 MX5 बिना किसी प्रीमियम के मिल रहे हैं इस टाइम पे। आप कहीं भी प्रीमियम मत देना X5 MX5 के लिए, बिना प्रीमियम के मिल रहे हैं वो तो आप इधर उधर पूछोगे ना कई सारे शोरूम में हर स्टेट में तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो इतने वर्थ नहीं है। जब इसको आप देखते हो, देखो पैनोरामिक सनरूफ, हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम। मेरा जो मेन वो था कि ADAS चाहिए और 4x4 चाहिए और ऑटोमेटिक चाहिए, वो आता है इससे कम AX5L में। AX5L और इसमें 1.5-1,00,000 रुपए का फर्क आ रहा था। हाँ। अब मुझे फिर ये अलॉय भी, वो MX5 AX5 वाले अच्छे नहीं लग रहे थे। हाँ। अलॉय भी आपसे ही पूछा तो आपने कहा अलॉय उसी के बढ़िया है, तो फिर मुझे अलॉय ही 1,00,000 रुपए के पड़ जाते बाहर से। हाँ। फिर वेंटिलेटेड सीट, सनरूफ, मेन सनरूफ का भी इतना बड़ा है। हाँ। तो वो सारी चीजें कर, और 19 इंच के टायर भी बाहर नहीं मिलते ना बढ़िया वाले। हाँ। जैसे इसके ऑल टेरेन भाई अब मिल रहे हैं, फिर ये अलॉय ढूंढो, टायर ढूंढो, सनरूफ तो लग नहीं सकती, सीट वेंटिलेटेड सीट वगैरह बहुत सारी चीजें फिर वो नहीं हो पाती। तो आओ कुछ आप पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात करते हैं। 600 किलोमीटर मैंने देखी मीटर। हाँ। में आप चला चुके हो गाड़ी। हाँ। को अभी तक क्या बेस्ट लगा और क्या नेगेटिव लगा है? जो हाइप रियल है गाड़ी, जितना जितना पीछे लोग इसके पागल हैं, वो है भी एक्चुअल में सब हवा हवा है वो अभी तक तो हाइप रियल है क्योंकि कहीं भी रुकते हैं लोग पूछते हैं, लोग मुड़ के देखते हैं। मैं फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 60,00,000-65,00,000 की GR स्पोर्ट भी लेके आता तो कोई पूछता नहीं। हाँ बिल्कुल, पर इसे देख के लोग पूछते हैं और अभी भी मतलब 6 महीने तक तो हो सकता है ये हाइप रहेगी। हाँ। और बाकी चलाने में मेरे को गाड़ी बहुत बढ़िया लगी, चलाने में अच्छी है, स्कॉर्पियो एन जैसी है। सीट इसकी थोड़ी स्कॉर्पियन से छोटी है मेरे लिए तो ठीक है, मेरे को इसकी सीट्स ना इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी स्कॉर्पियन भी रख रखी है ना मैंने। तो ये लेग सपोर्ट, ये थाई सपोर्ट बहुत कम है इसमें। अब देखो हाँ अंडर थाई सपोर्ट बहुत है और भाई देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट भी आ जाती है तो आदमी क्यों ना ले यार। और मैं काफी मेरा आना जाना रहता है 300-400 किलोमीटर का तो मैं और गाड़ी भी चलाई आज तक थका नहीं, पर इसमें मैं उस दिन थक गया। इसमें थक रहे हैं गाड़ी में क्योंकि इसमें देखो ना रन में ना 400-300 किलोमीटर में थक रहे। अरे मैं तो आगरा से थक गया था भाई, सीट पे बैठा था आज तक नहीं थका मैं इतने सालों से, अप डाउन कर रहा हूँ। कंफर्ट तो नहीं है सीट्स में ना, वो ये कि बाहर से आपको ना अंडर थाई सपोर्ट वगैरह क्योंकि जैसे कई लोग कंफर्ट नहीं है, थोड़ी ऊंची है तो हिलते भी है। हाँ। ब्रेक व्रेक सी मतलब वो बात नहीं आती हाईवे पे। अब देखो मैं बैठा हूँ, मेरी तो हाइट अपना ठीक है 6 फुट का लगभग, तो अंडर थाई सपोर्ट भाई बड़ी फील होती है मैंने आप। इसमें मीटर वगैरह भी एकदम प्रीमियम वाला हो जाता है, ये देखने में तो बढ़िया लगता है, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर सबसे बड़ी चीज माइलेज क्या दे रही है आपकी वाली? माइलेज भाई देख लो आप खुद ही इसमें है, क्या बात कर रहे हो, 14 की माइलेज दे रही है। ये लोकल में 4 दिन से चला रहा हूँ और हाईवे पे आया था 15.5 की दे रही थी यार, 12 की तो मेरी दे रही है मैनुअली।
कैसे चला रहे हो भाई? और 100-120 पे चलाते हैं, 120 से तो खैर ज्यादा नहीं चलाते, पर 100-120 के आसपास, उससे तेज नहीं यार। ये तो मजा ही यार, यार ये तो ऑटोमेटिक भारी है ना। अच्छा प्यार से चलाते, प्यार से के? चलाते थोड़ा। अच्छा हाँ, चलाते मैं थोड़ा 100-120 पे ही, पर प्यार से, ऐसा एकदम से खींचते नहीं है। ये तो XUV 700 वाला ही है, बिल्कुल सेम टू सेम XUV 300 वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम है। उसमें फ्यूल इन्फो नहीं आता क्या इसके अंदर? मुझे तो मेरा वाला सही लगता है, सिंपल सोबर सा है। हाँ फ्यूल इन्फो आता है, पूरा गाड़ी बन के आती है। देख लो आप, ये देख लो इसमें आता होगा। इसमें तो जोमेटो वगैरह इन्होंने फालतू की चीजें रखी है ना इसमें। अच्छा इसमें नहीं है, इसमें एडवेंचर स्टेट्स वगैरह दे रखा है। इसमें कार पे तो इसके अंदर अभी भी नहीं है, कार प्ले तो अभी नहीं है, वो मैप उससे लगाना पड़ता है फोन से, इतनी महंगी गाड़ी लेके भी। और सॉफ्ट टच वगैरह दे दिया है भाई। और स्पीकर कैसे हैं हरमन गार्डन के, क्या लगता है? हरमन गार्डन देखने में अच्छा लगता है, बाकी इतनी कोई खास मजे वाली बात है नहीं। अच्छा बाकी ठीक है, हमारे हिसाब से तो ठीक है, पर जो जो बहुत ज्यादा म्यूजिक लवर है ना उनके लिए नहीं है कि भाई हरमन गार्डन कोई अलग ही लेवल की चीज है। थोड़ा सा स्टेप अप है हमारे लिए, तो ठीक है, चार स्पीकर भी होते तब भी चल जाता हमारे। तो 25.5 लाख रुपए लग रहे हैं कि वर्थ से लग रहे हैं इस गाड़ी के लिए? हाँ ठीक है, आजकल आई कह रहा है 23-24 की तो क्रेटा सेल्टोस ही आ रही है। हाँ ये भी उस हिसाब से तो भाई वर्थ है, और अभी के टाइम पे जो भाई ने ले लिया है बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन चुकी है गाड़ी। अभी तो ये है कि साल भर बाद भी अगर मैं इसे बेचूंगा तो हो सकता है इसी रेट के आसपास बिक जाए। हाँ क्योंकि अभी तो एक दो साल तो हाइप इसकी बड़ी आराम से रहेगी, रहेगी इतनी, क्योंकि महिंद्रा इतनी जल्दी डिलीवरी देने वाला नहीं है अभी। तो देख लो भाई, बाकी जैसे बीच में आप बहुत ज्यादा वो भी हो रहे थे इंपेशेंस भी कि यार गाड़ी गाड़ी गाड़ी, तो सोचा नहीं बाहर से प्रीमियम दे के ले लूं या कुछ ऐसे? नहीं यार मैंने ना इस बार, पिछली बार मैंने स्कॉर्पियन के टाइम पे कराया, एक मॉडल डाउन बुक कराया था, टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे था, सेकंड टॉप था वो, उस टाइम पे मिली टॉप मॉडल महिंद्रा ने दी। इस बार मैंने सोचा है टॉप मॉडल तो मिली जाएगी, 4x4 तो मिली मिल जाएगी, मैंने बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट कराया, इस बार नीचे की मॉडल दे दी महिंद्रा ने। अरे इनका कुछ नहीं भरोसा, ये कब क्या कर दें क्या ना करें इनका, महिंद्रा आगे आगे हम पीछे पीछे। हाँ यार ये ब्रांड है ऐसा ही है, सारी जगह पता किया तो किसी को भी नहीं मिल रही थी, तो ये तसल्ली थी कि किसी को भी नहीं मिल रही है। और फिर मैंने प्रीमियम का भी पता किया तो कोई 60-70 हज़ार रुपए लेके दिलवा भी रहा था, पर अभी इस टाइम पे जो प्रीमियम ले रहे हैं ना वो, उन्हें भाई गाड़ी है ही नहीं, शोरूम पे ही नहीं है। हाँ। उन्हें प्रीमियम देके भी वो भाग जा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं आजकल, तो प्रीमियम देने का भी कोई फायदा नहीं है। किसी को गाड़ी की बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत है तो जनवरी लास्ट तक वेट कर लो, आपको ये गाड़ी बिना प्रीमियम के मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, जनवरी लास्ट तक, क्योंकि आप ये देखो ना आपने कितनी बुकिंग कराई थी। मैंने भी 3-4 कराई थी, मैंने सारे चार बुकिंग कराई। हाँ। आपने सारी वो करी। हाँ। कैंसिल। हाँ। वो शोरूम पे आएंगी आएंगी गाड़ी। हाँ। मैंने भी कैंसिल करी, अब हाँ। वो इतनी गाड़ी आ जाएंगी, हर किसी ने ऐसी बुक कराई है इस बार। फिर तो आदमी करवाएगा, बहुत स्पीड से मिलनी शुरू होंगी आपको, तब मिल जाएगी, एक आध महीने का और वेट कर लो। चलो ठीक है ध्रुव भाई, बहुत बहुत थैंक यू अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बाकी अभी तो भाई नई नवेली है, अभी तो 600 किलोमीटर मात्र चली है गाड़ी, जब बाद में और इसका धीरे धीरे लिटिल लिटिल एक्सपीरियंस अभी तो मिलता रहेगा भाई, उसका देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस बाइक का रहता है कैसा नहीं। अब ट्रिप मारो फिर पता चलेगा गाड़ी की असली रियलिटी क्या है। ये तो इनका बाइंग एक्सपीरियंस था। जिस दिन मैंने ली उसी दिन घर वालों को बिठाया तो उन्होंने कहा सनरूफ खोलो, मैंने बटन दबाया सनरूफ ही निकला, बहुत देर तक सनरूफ निकला, फिर थोड़ी देर में जाके अपने आप खुल गया। मेरा तो एक लाइट ही नहीं चल रही, तो ये चीजें अभी मैं तो सोच रहा था ये मीटर वीटर भी बंद हो जाएंगे, पर ये अभी तक हुए नहीं है बंद। चलो भाई वो तो उसके लिए रेडी है हम। हाँ तैयार रहो, मेंटेलिटी अपनी थोड़ी इस तरीके से ही रखो भाई, तब ज्यादा बढ़िया रहता है महिंद्रा गाड़ी लेने के बाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और थैंक यू सो मच।